please surround me with your energies. Dear angels, guide me while I give guidance to my fellow beings. Angels, जानते हैं angels कौन होते हैं? हाँ जी, angels फरिश्ते होते हैं, जो हर वक्त हमें राह दिखाते हैं, हमारी मुश्किलों को आसान करते हैं। मैं हूँ आपकी अपनी शबाना शर्मा। आज आपके लिए 2020 के लिए एंजल मैसेजेस लेकर आई हूँ, एंजेलिक रीडिंग्स लेकर आई हूँ। ये है हमारे एंजल कार्ड्स, यानी कि हमारे गाइडेंस, जो कि हमें ये बताएंगे कि आने वाला साल 2020 हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है और हम किस तरह से अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं, सारी खुशियां हासिल कर सकते हैं, किस तरह से ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकते हैं। ये हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी भर देंगे। ये है हमारे एंजल कार्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे लिए 2020 में एंजल्स क्या संदेशा लेके आए हैं, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं और हम कैसे अपनी लाइफ को प्रॉस्पर बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं, खुशियां बटोर सकते हैं। इससे पहले कि मैं ये एंजेलिक मैसेजेस आपके सामने लेकर आऊं, आप ये जान लीजिए कि आपको किस तरह से जानना है कि कौन सा मैसेज आपके लिए है, आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर वेस्टर्न ज़ोडियक के अकॉर्डिंगली राशि आप अपनी चूज कर लीजिए, या फिर जैसे भी अगर आपकी कोई एस्ट्रोलॉजिकली लग्न कुंडली है, आप लग्न कुंडली के लिए अकॉर्डिंगली देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट राशि है वर्गोस। तो देखते हैं वर्गोस के लिए 2020 के लिए हमारे एंजल्स क्या मैसेज लेकर आए हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी कि 2020 में वर्गोस के लिए आपका क्या मैसेज है। तो 2020 के लिए एंजल्स का मैसेज है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मींस जितनी भी नेगेटिविटी है, कड़वाहट है, जितनी भी आपके मन के अंदर गिला है, शिकवा है, उसको आप दूर कर दीजिए, उन अनुभवों को भूल जाइए, उनको अपनी लाइफ से इरेज कर दीजिए जिनकी वजह से आपको कभी भी दुख तकलीफ हुई है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपको कभी भी कोई तकलीफ दी है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि उन चीज़ों से आप दूर रहिए जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, आपके माइंड को नुकसान पहुंचाती हैं, आपके एनवायरनमेंट को जो ख़राब करती हैं, ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिए। अपना मन आप स्पिरिचुअलिटी में लगाइए, मेडिटेशन में लगाइए, अपना मन भक्ति में लगाइए। रोज थोड़ी देर के लिए भी अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर देंगे, उस तरह की फीलिंग्स उनको आप भुला दीजिए। पॉजिटिव अफर्मेशन करिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, इस तरह से आप अपने आप को रोज अफर्मेशन करिए, अपने आप से प्यार करिए। आपको एक चैंट दे रही हूँ, ये एक स्विच वर्ड का चैंट है, पर्ज कैंसिल। जब भी आपको लगे कि आपके मन में कुछ नकारात्मक विचार आ रहे हैं, आपको लग रहा है चारों तरफ से आपकी जो है ऊर्जाएं जो नेगेटिव हो रही हैं, आपका कोई काम बन नहीं रहा है, आपको ऐसा लगता है कोई आपको धोखा दे रहा है, आपको जिस तरह की उम्मीद है अपने दोस्तों से, फैमिली से, वर्क से, ऑक्यूपेशन से, जॉब से, आपके बॉस आपके साथ ठीक से डील नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको जरा सी भी नेगेटिविटी लगती है तो आपको सिर्फ चैंट करना है पर्ज कैंसिल, पर्ज कैंसिल, पर्ज कैंसिल। सुबह, दोपहर, शाम कांच के ग्लास में आप पानी लीजिए, उसको हाथ में पकड़िए, 28 बार करिए और उस पानी को आप पी लीजिए और आप देखिए आपकी लाइफ से नेगेटिविटी कितनी कोसों दूर चली जाएगी। अपने आप को आप पॉजिटिव महसूस करेंगे, आपके मन में वो आत्मविश्वास, वो फोकस, वो एक एनर्जी डेवलप होएगी जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है। अगर आप एंजल्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि एंजल्स के साथ कैसे संबंध कायम करा जा सकता है, एंजल्स के साइंस और सिंबल्स क्या हमें शो कर रहे हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं, तो उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा। आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए और आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। इन एंजेलिक मैसेजेस को आप फॉलो करते रहिए और खुशियाँ बटोरिए, प्रॉस्पर होइए, सक्सेसफुल होइए, अपनी जिंदगी में ब्लिस खोलिए। ऑल ऑफ यू स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।